पश्चिमी राजस्थान के जिलों में टिड्डी का संकट अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार की ओर से लगातार प्रयासों के बावजूद भी टिड्डियों पर काबू नहीं हो पा रहा है। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि पाकिस्तान में बड़ा टिड्डी दल देखा गया है। ये टिड्डी दल हवा के साथ कभी भी यहाँ आ सकता है। इसके खतरे से निपटने के लिए टीमों को सतर्क कर दिया गया है और कृषि आयुक्त को बॉर्डर एरिया में भी भेज दिया गया है। कृषि मंत्री ने साथ ही कहा कि सीएम गहलोत खुद सीमावर्ती जिलों का दौरा कर चुके हैं। किसानों की मदद के लिए सरकार गिरदावरी करवा रही है। सुबह भी मालूम चला है कि पाकिस्तान के आसपास का जो इलाका है बॉर्डर का, वहाँ फिर एक बहुत बड़ा टिड्डियों का समूह आके खेतों में बैठा हुआ है। ये आज सुबह भी रिपोर्ट मिली है। अभी कृषि आयुक्त को हमने वहाँ के लिए रवाना कर दिया है और कुछ पाउडर और दवाइयाँ जिला कलेक्टर से बात करके किसानों को और दी जा रही है। जैसलमेर सम और सादा जो गांव है उसके आसपास में उसका प्रभाव देखा गया है कल शाम को और रात को। हरीश चौधरी जी वहीं है, मेरी उनसे भी टेलीफोन पे बात हुई है, जिला कलेक्टर से बात हुई है। हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम में एक बार वहाँ बादल बादल छाए हुए हैं, जैसे ही खुलेगा और हवा चलेगी तो हो सकता है कि एक बार वापस वो प्रवेश भारतीय सीमा में करे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ बहुत बड़ा जखीरा देखा गया है। भारत सरकार से भी मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा है और जो संसाधन भारत सरकार के पास थे वो भी उपयोग में आ रहे हैं। राजस्थान सरकार जो मदद कर पा रही थी उनके साथ मिलके वो लगातार हम कर रहे हैं।